जमाने को, बाजी लगाने को, बचाने जमाने को। मुश्किल अब हो जाएगा बचना, हमें समाई है मिस्टिक फोर्सेस निशान। हम बुराई का मिटाएंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, ना पीछे हटेंगे। वादा अपना साफ ये हम मिटाएंगे या मिटेंगे। चलो 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 आगे पावर रेंजर्स, आगे पावर रेंजर्स, आगे पावर रेंजर्स। लिली, स्टोर बंद हो गया। अच्छा है, अब तुम मुझे नए टीचर के पास ले चलोगे और कोई बहाना नहीं बनाओगे। नहीं ले जा सकता, मेरे कुछ और प्लान्स हैं। प्लीज इसे अहमियत देने में वक्त जाया मत करो ली, मुझे अहमियत दो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वाह, ये भी नहीं आ सकता, मेरे प्लान में ये भी शामिल है। जीजे फ्लाय, कभी नाम नहीं सुना, कैसा है? ये शहर का सबसे मशहूर डीजे है, कमाल है, तुम इसे नहीं जानती? जाकर इसका शो देखना चाहिए। ठीक है, तुम मेरे साथ चलना। वीरा के भी प्लान्स है। तो शहर में नया डीजे आया है, हमारे प्लान्स कल तक इंतजार कर सकते हैं। नहीं कर सकते, तुमने मदद करने का वादा किया था। वी, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया लिली, फिर कभी। ओके, स्टोर बंद हो चुका है, हमें फायर आर्ट के आधे नक्शे को समझना है। चिप और मेडिसिन रूट कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं, याद है? निक, तुम कब से ब्रायरवुड की अच्छी जादूगरनी बन गए? आ रही हो अभी? तुम चलो, मैं आई, मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। डीजे फ्लाई, पसंद आया? बहुत ज्यादा, मानो जादू सा हो रहा है। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, मैं ये म्यूजिक जिंदगी भर सुन सकती हूँ। बोल रही हूँ मॉम, मैं एक दोस्त के घर पे म्यूजिक सुन रही हूँ। नहीं मॉम, अभी नहीं, वादा करती हूँ सुबह होमवर्क कर दूंगी। मॉम, कितनी गलत बात है, मॉम ने सारा मजा खराब कर दिया, मुझे जाना होगा, सॉरी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, बस सिर्फ एक गाना सुनकर चली जाऊंगी, मुझे ये डीजे पसंद है और म्यूजिक भी। मैं हार गया, शायद हम फायर हार्ट की पहेली को नहीं सुलझा सकते। ओफो, हार मत मानो, कभी हार मत मानो। वाह, क्या बात है निक। हाँ, पहले मैं भी हार मान चुका था, पर उड़ाना मुझ पर नाराज हुई और मैंने भी यही सोचा। वैसे दोस्तों, उड़ाना कहाँ है? मैंने जब उन्हें देखा था तो वो क्लेयर को गायब होने का मंत्र सिखा रही थी। तब तो यकीनन गड़बड़ हो गई होगी। यो दोस्तों, सॉरी देर हो गई। देर? तुम कल से नहीं आई हो और इसे तुम देर कहती हो? तुमने मदद करने का वादा किया था वी। शांत रहो, तुम मेरे डैड नहीं हो, माना एक रात दुनिया को बचाने नहीं आए, लेकिन खुशखबरी है कि दुनिया सुरक्षित। विडा, ऐसा नहीं है कि तुम कल रात नहीं आई, बल्कि दिन भर भी नहीं आई, फिर रात हो चुकी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। देखो, मैंने कहा ना सॉरी, मैंने अपना वादा नहीं निभाया, ऐसा दोबारा नहीं होगा। है, कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं। मेरी आवाज सुनो रेड रेंजर, वरना पूरा ब्रायरवुड बहुत पछताएगा। चलो नीचे बनो, मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, लगता है तुम्हारे डांट का इस पर काफी असर हुआ है।
ऐसा ये रूप पहले कभी नहीं देखा। और मैंने भी नहीं। अजीब बात है। वीडा, बहुत अच्छे। क्या बात है वी? बहुत बढ़िया। क्यों ना असली मुकाबला हो जाए? क्या हुआ था? वी तब से अजीब बर्ताव कर रही है। वो क्लब में भी अजीब बर्ताव कर रही थी, मतलब वो मुझसे अच्छी तरह पेश आई, उसने बात भी की। लीले, ये मजाक का वक्त नहीं। ठीक है, मैंने तो वहाँ कुछ अलग महसूस नहीं किया। मुझे मॉम का फोन आया और मुझे जाना पड़ा। तब तक तो वीरा ठीक थी, चेहरे का रंग भी अच्छा था। हे वीरा। हाय। तबीयत ठीक है? हाँ शायद, बस धूप मुझसे सहन नहीं होती। फीका चेहरा, धूप सहन ना होना। महान जादूगर, ये मत कहो कि तुमने जानबूझकर रेंजर्स को छोड़ दिया। तुमने उन्हें खत्म क्यों नहीं किया? तुमने उन्हें नष्ट क्यों नहीं किया? तुम नहीं कर सकते। मेरी काबिलियत पर शक मत करो। तो क्या वजह है? कमजोर दुश्मन को खत्म करना सम्मान की बात नहीं है। जब वो शक्तिशाली हो जाएंगे तब मैं उन्हें मौत की नींद सुला दूंगा। सम्मान की परवाह इसे है, मुझे नहीं। गुड मॉर्निंग रूटकॉर। हे वी, तुम ठीक लग रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी भर कर सोई। चलो रॉक एंड रोल शुरू करें। जरूरत से ज्यादा सोई, कम से कम 22 घंटे। हे वी, अपने चाहने वालों से कुछ कहो। ठीक है, ऐसा पोज दिखाती हूँ जो मैंने सपने में देखा था। इतना ज्यादा सोने के बाद तुम्हें प्यास लगी होगी वी। ये टमाटर का रस है। और क्या, तुम्हें क्या लगा खून है? क्या कहा? याद रहे, मैं एक होनहार मेंबर हूँ काउंट वी का, मतलब कंटेनमेंट ऑफ अंडरवर्ल्ड नॉक्टर्नल ट्रांसिल्वेनियन वैम्पायर्स क्लब। और मेरे दोस्तों, मैंने वैम्पायर को ढूंढ लिया है। तो मेरी बहन वैम्पायर है। फीका चेहरा, धूप सहन ना होना, दिन भर सोते रहना,
खून पीने की इच्छा होना, किताब में लिखा है ये सब वैम्पायर की निशानियां हैं। चलो दोस्तों, हमें देर हो रही है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, पहले मुझे कुछ खाना है। बाद में आऊंगी। ओके, शायद मैं गलत हूँ, मैं भी वी के साथ बाद में ही आऊंगा। वैसे एक बात कहूँ चिप, तुमने ठीक कहा था, मैं एक वैम्पायर हूँ। जानता था कि तुम वैम्पायर हो। बहुत अच्छी बात है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, तुम तो खून चूसने वाले वैम्पायर हो। मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहती। कोई नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वादा रहा। ओह सॉरी, मैं मजबूर हूँ चिप, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे चोट पहुंचाने और काट कर मेरी जिंदगी खत्म करने में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। ये सब तब हुआ होगा जब तुम डीजे का म्यूजिक सुन रही थी, उसे ढूंढकर मामले की तह तक पहुंचना होगा। मैं बाकी साथियों को भी ये सब बता देता हूँ। नहीं, वो पहले से ही सोचते हैं कि तुम पागल हो, पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं फिर उन्हें बताएंगे। मैं लहसुन को खुद से अलग नहीं करने वाला। अगर मेरी राय पूछो तो तुम इससे कहीं बेहतर हो। सच? वही क्या? शाबाश लड़की, तुम अपने दोस्त को भी हमारे कब्जे में ले आई। अपना काम करो फ्लाई ट्रैप, पर रेंजर को मेरे लिए छोड़ दो, ये मेरा शिकार है। काली दुनिया में स्वागत है रेंजर। काफी अच्छी कोशिश थी शैतान, पर मुझे फंसाने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये देखो। कोई बात नहीं, खुद को संभालो भी। यहाँ बैठो। गुड नाइट रेंजर। कोशिश मत करो, तुम्हारे ये छोटे छोटे जादुई तरीके मुझ पर असर नहीं करेंगे रेंजर, तुम नहीं जाओगे। ठीक है, लो ये बड़ा तरीका देखो। गलत, खेल तो अभी शुरू हुआ है। फ्लाई ट्रैप, लड़की को खत्म करो। नहीं, ओह, इसकी छुट्टी हो गई। जाओ मेरे गुलामों, रात का फायदा उठाकर शहर को तबाह कर दो। कुछ घंटों बाद जब सुबह होगी तो तुम सब राख बन जाओगे। चिप, ओ नहीं। चिप, अगली बार मुझे मत बचाना। कभी कभी दूसरों को बचाने के लिए उसी कुर्बान करना पड़ता है जिससे खतरा हो। तुम नेक्रोलाय को रोक सकते थे। चिप, तुम एक हीरो हो। नहीं, हीरो नहीं, बस एक दोस्त हूँ। याद है जब हम 7 साल के थे और बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे क्योंकि हेलोवीन पर मैंने सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनी थी। तुम उस कॉस्ट्यूम को हर रोज पहनते थे, प्रॉम में भी पहनी थी।
काफी जच रही थी। खैर तुमने मेरा साथ दिया था, उनसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए पहले उन्हें तुमसे निपटना होगा। अच्छा लगे या बुरा, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए अगर तुम वैम्पायर हो तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा मैं आखिरी सांस तक उनसे लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तुम मेरा साथ दोगी भी? क्या और कोई रास्ता है? देखा जाए तो नहीं, पर हम दिल से मुकाबला कर रहे हैं और उनके पास तो दिल है नहीं। और भी नया स्टाइल ना इस्तेमाल करना, शर्म की बात होगी। वी चिप, दोस्तों तुमने आने में बहुत देर कर दी, क्या हो रहा है यहाँ? चिप और वीडा काम पर नहीं आए, शायद वो दोनों मुसीबत में हैं। पिछली बार जब उनसे मिले थे तो क्या वो ठीक थे? बिल्कुल नहीं, वीडा अजीब हरकतें कर रही थी और चिप को लगा कि शायद वो ऐसा, चिप ने कहा हमने नहीं, वो वैम्पायर है। यहाँ जंगल में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन है, पर भरोसा रखो वो होती हैं। हे, मैंने आज सुबह वीडा को शूट किया था, वो वीडियो देखते हैं। बहुत ही अजीब बात है, जब मैंने उसे शूट किया था तब वो वहीं पर थी, अब नहीं है। वो वीडियो पर दिखाई नहीं देगी बिल्कुल वैसी ही जैसे शीशे में दिखाई नहीं देती। ये तो चमत्कार का रस है। चीप ने ठीक कहा था, वो एक वैम्पायर है, उन्हें ढूंढो रेंजर्स, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। चलो दोस्तों। आगे बढ़ो और अपने प्यारे शहर को तबाह कर दो, जाओ क्योंकि सुबह होते ही तुम राख बन जाओगे। वी, तुम ठीक तो हो? पहले से बेहतर। ठीक है, चलो इसे सबक सिखाए। पेड़ की तरह मजबूत ग्रीन मिस्टिक रेंजर। हमारा जादू है और तुम्हारा नाश। मैं नहीं डरता। मैं जादू का कमाल दिखाती हूँ। हमला!
जिसने सबको बचाया, मुझे मेरी बहन वापस मिल गई और ब्रायरवुड के नौजवान पहले जैसे हो गए। अब जबकि तुम जानते हो कि वैम्पायर्स होती हैं, तो तुम मेरे काउंटी क्लब में शामिल क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि तुम कोई फैसला करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि थोड़े से पैसों में क्या मिलता है। लहसुन की तीन गोलियाँ, वैम्पायर को ढूंढने की किताब, शीशा, वैम्पायर चौक और ये शीशी। रुको, वैम्पायर चौक? वैम्पायर को ढूंढने वाला कोई भी शिकारी इसके बिना उसे ढूंढने नहीं जाता। वैम्पायर के आसपास इससे गोला बनाओ तो वो उसके बाहर नहीं आ सकती। ये क्या कर रहा है? वैम्पायर चौक का कमाल दिखा रहा है। सॉरी, मेरे ये जूते बहुत बहुत महंगे हैं। किसी और के पैरों के पास जाकर गोला बनाओ। अगर वीडा वैम्पायर होती तो वो इस लाइन से बाहर नहीं आ पाती। बिल्कुल। हे वीडा, हमारे पास कॉल्ड्रन की सीढ़ी है। हाँ, मैं देखती हूँ। तुम ठीक तो हो?